फ़कीह और निज़ाम विलायत ग़ैबत कुबरा के अंदर तमाम मुस्तज़फ़ीन जहाँ के लिए एक अजीम इलाही तोहफ़ा है और इस अजीम नामत के साये में आलम इस्लाम मुस्तज़फ़ीन जहाँ मुत्तहद होकर अगर चले तो जिस तरह से आज मशरक़ वुस्ता के अंदर दुश्मनान इस्लाम शिकस्त से दोचार हुए उसी तरह आगे चल कर भी हम तमाम दुश्मनान इस्लाम को घुटने के बल ला सकते हैं और दुनिया के अंदर इस्लामी निज़ाम निज़ाम विलायत को कायम करने का निज़ाम विलायत के परचम को बुलंद करने का जो है हमें मौका नसीब हो सकता है, मगर ये कि मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ पैदा हो। और आजकल दुश्मनान इस्लाम जब जंग के ज़रिए असलहों के ज़रिए विलायत और निज़ाम विलायत को दबा ना सके तो इन्होंने मुसलमानों के दरमियान तफरीका डालते हुए शिया शिऊ से लड़ाने के लिए, सुन्नी सुन्नियों से लड़ाने के लिए, शिया सुन्नी से लड़ाने के लिए एक दूसरे के मुकद्दसात को तौहीन आमेज जुमलों से तौहीन करना और एक दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन करना, ये सब हरबे हैं दुश्मनान इस्लाम के, जिसके लिए मुसलमानों में से चुन चुन के कुछ लोगों को बरतानवी शिया या लंदनी शिया जिनको MI6 का सरपरस्ती हासिल है। जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जहाँ कहीं भी सेमिनारें कॉन्फ्रेंसें मुनक़द हुई, जिस तरह आयतुल्ला सिस्तानी के वकील उज़मा सिस्तानी के वकील सैयद कल्बी जवाद साहब ने लखनऊ में नेशनल लेवल पे एक आलीशान कॉन्फ्रेंस मुनक़द की थी, इसी तरह यहाँ सांकों में भी अंजुमन साहिबज़मान की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, तो हम सब के फरियाद चाहे अंजुमन साहिबज़मान हो, चाहे अंजुमन इंक़लाब महदी, मरकज़ तबलीगात इमाम रज़ा, जितने भी कमेटी जितने भी इदारे होंगे, सब के आरज़ू यही है, तमन्ना यही है, अहदाफ़ एक ही है कि जो लोग इस निज़ाम के यानी निज़ाम विलायत फ़कीह के तामीरी काम में सपोर्ट करें उनके हम साथ हैं और जो तहरीबी काम कर रहे हैं उनके हम खिलाफ और मुखालिफत का हम यहाँ पर इजहार अपना
خدا پہ رہبر اپنا